दोस्तों महाभारत की कथा में अगर अर्जुन को नायक के तौर पे देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र के इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उनकी समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। दोस्तों सूर्यपुत्र होकर भी ताउम्र कर्ण सूत पुत्र ही कहलाए। दोस्तों महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिए और मरे, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन दोस्तों कर्ण का जीवन भर इतना नहीं था, इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छाया में दबकी रह गईं। दोस्तों कर्ण ने सिर्फ प्रेम ही नहीं किया बल्कि सुंदरियों से अपने अपमान का बदला भी लिया। ये बदला कभी द्रौपदी से लिया तो कभी अंसावरी से लिया। द्रौपदी ने कर्ण को नहीं चुना था तो अंसावरी को कर्ण ने ठुकरा दिया था। सूर्य कुपुत्र को प्यार तो हुआ था दासी पद्मावती से जो बाद में उनकी पत्नी बनी, लेकिन कम ही जिक्र मिलता है कि कर्ण की एक और पत्नी थी जिसे वृषाली या वरुशाली के नाम से जाना जाता है। कर्ण का पहला विवाह वरुशाली के साथ ही हुआ था। वरु दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद वरुशाली इनकी चिता पर सती हुई थी। एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के बारे में भी मिलती है। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमती की सहेली थी। तमिल साहित्य में कर्ण की पत्नी का नाम पोनारुवि बताया गया है। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पोनारुवि कहा जाता है। पद्मावती और अंसावरी से कर्ण की प्रेम की बात करें तो उससे पहले कर्ण के जन्म के रहस्य पर रोशनी डालते हैं। इसी के कारण कर्ण को प्रेम नहीं मिला और खुद भी इंतकाम की आग में जलता रहा। दोस्तों सूर्यपुत्र और कुंतीपुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे। दोस्तों क्योंकि वह इससे अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसलिए लोकलाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधीरथ की पत्नी राधा कुंवर ने कर्ण को नदी में बहते हुए देखा तो उनका पालन पोषण किया। माँ के नाम से ही उन्होंने नाम चुना राधेय, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूत पुत्र। दोस्तों कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी की प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करती थी। दोस्तों जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे, लेकिन उनकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उनकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इस बात का पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सूतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का ये अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। दोस्तों द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कुछ बदमाश जो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी और दूसरी इनकी दासी धूमसेन की पुत्री परमावती थी। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाड़ों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया। मूर्छित हो गए राजकुमारी अंसावरी बेहोश हो गई। दोस्तों पद्मावती कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गई। अंसावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण के पिता को घर ले गई। दोस्तों पद्मावती ने पिता वैद्य बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते ही रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अंसावरी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज चित्रवर्त का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण सैनिक के साथ चित्रवत के राजभवन गए जहां राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। महाराज चित्रवत कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर कृपा की है, मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कर्ण मान जाते हैं। कर्ण और राजकुमारी अंसावरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंसावरी अपने मन की बात अपनी सखी और दासी पद्मावती को भी बताती है। हालांकि पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा लेती है। कुछ समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगते हैं। ये सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता का कायल हूँ, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं। हम क्षत्रिय और तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं। कर्ण कहते हैं, आपकी पुत्री मुझसे प्रेम करती है, लेकिन जब अंसावरी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो वो भी शादी से इनकार कर देती हैं। कड़े सम्मान से दुखी होकर अपने राज्य लौट जाते हैं। दोस्तों कुछ समय बाद राजा चित्रवत अपनी पुत्री अंसावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं, हाँ मैं एक सूत पुत्र हूँ, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ नहीं युद्ध में हरा सकता हूँ। कर्ण अपने बाणों से वहाँ उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं।
सभी कर्ण से हार मान लेते। इसके बाद महाराज चित्रवत पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसारी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती हैं, कर्ण पीछे हट जाते हैं। अपमान की आग में जल रही कर्ण कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं करना चाहता, मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके लिए मेरे मन में निस्वार्थ प्रेम है। ये कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं, हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाती और पति के रूप में उनको वरण करती है। इस तरह कर्ण अंसावरी से अपमान का बदला लेती है, उनकी दासी से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।